आगे से उस घर के लिए कुछ भी करना होगा तो मैं पहले आपकी परमिशन लूं, ठीक? तुम ज़बान चला रही हो मेरे साथ? बिजनेस वर्ल्ड के सारे लोग वहां पर होंगे एंड आई एम श्योर सम्मान भी वहां जरूर जाएगा। आई थिंक वंशिका शुड पर्सनली इनवाइट वरना वो शायद ना आए। वंशिका, तुमको मेरे हाउस वार्मिंग पार्टी का इनवाइट मिला? मिला। देन आई होप यू आर कमिंग, प्लीज डू कम। वंशिका मुझे पर्सनली इनवाइट कर रही है। हेलो सुनीता, वो जी अगर मेरा एसोसिएट्स का फोन आए तो उन्हें कहना मुझे मोबाइल पे फोन कर ले। ओके, आप उनसे मिलेंगे? नहीं नहीं, मैं वो घर जा रहा हूँ, फैमिली डिनर है। ओके सर। ओके देविका दी, आप? हाय सम्मान, तुम आ रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, मेरे मम्मा से प्रॉमिस किया, मैं बस थोड़ी देर तक घर पहुंच ही रहा। मैं वंशिका के पार्टी की बात कर रही हूँ सम्मान। नहीं देविका दी, मैं वहाँ नहीं जा रहा। क्यों? देविका दी आप जानते हैं मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊंगा। देखिए उसके साथ बिजनेस करना एक अलग चीज है, दैट्स अ प्रोफेशनल थिंग, पर उसकी पार्टी में जाना पर्सनल हो जाता है। क्या बकवास है, एंड डोंट यू रियलाइज इट, आजकल इन पार्टीज के बहाने ही बिजनेस किया जाता है। और फिर तुम नहीं आओगे तो लोग सौ बातें बनाएंगे। प्लीज आ जाओ। लेकिन दीदी आप थोड़ी देर के लिए ही आ जाओ, अपनी शक्ल दिखा के चले जाना। नहीं दीदी, आई डोंट थिंक सो। सम्मान सोचो मत, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हें इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है दीदी, आपको वहां मिलता हूं। ओके सी यू देयर, मैं शरद को साथ लेकर आऊंगी। जा तो रहा हूं पर क्या करूं, काकुल को बता दूं, थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, क्या बता दूंगा। पर काकुल ने खुद ही कहा था कि अगर बिजनेस मीटिंग हो तो कोई एतराज नहीं, ये बिजनेस मीटिंग ही तो है। दीदी मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं वंशिका की पार्टी में नहीं जाना चाहूंगा। क्यों? अगर सम्मान आ सकता है तो तुम क्यों नहीं आ सकते? कम ऑन दीदी, सम्मान भैया अपनी मर्जी के मालिक है और मैं अपनी, उनके पास रीजन हो सकता है पार्टी में जाने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी चला जाऊं। बिजनेस रिलेशंस और कोई रीजन नहीं है। थैंक गॉड, मेरे समझ में ये नहीं आता कि मेरे दोनों भाई इतने इमोशनल फूल्स क्यों हैं। वंशिका से हमारा और सम्मान का भी सिर्फ बिजनेस का रिश्ता है और समझदारी इसी में है कि हम सिर्फ यही बात याद रखें, पास्ट को भुला दें। दीदी आप जा रही हैं ना हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करने, दैट्स इट, और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को जाने की जरूरत है। असली वजह क्या है शरण? सम्मान से मैंने कहा और उसे मैंने कन्विंस भी कर लिया, लेकिन तुम हो कि मान ही नहीं रहे। टेल मी असली वजह क्या है। दीदी आप प्लीज, लेट मी गेस वंशिका सम्मान की एक्स फियांसे है, लेकिन इस बात से सम्मान को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर वंशिका हेट्स नेहा एंड यू, यही बात है ना? हाँ यही बात है ना शरद? देखिए दीदी अगर आप उस पार्टी में जाना चाहती हैं तो प्लीज चली जाइए, क्योंकि मैं आपसे इस इश्यू पर कोई बहस नहीं करना चाहता। लेट मी नॉट वेस्ट योर टाइम। कितना प्यारा है ना दीदी, मन करता है इसे बस गोद में ही लेकर बैठी रहो। हमारा भी यही मन करता है, दिन भर इसे गोद में लेकर बैठे रहते फिर भी। लेकिन अब आपको इसे बांटना पड़ेगा, इसके पापा ने आज इसे गोद में जो उठा लिया है अब वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही होने, हम तुम्हें बता नहीं सकते। आज जब जीजू ने बच्चे को गोद में लिया हमारा मन भरा है, भगवान करे जीजू ने जो कदम आगे बढ़ाया वो कभी पीछे ना हो। ऐसा ही होगा दीदी। देखो तो जरा, तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है वो।
कैसी हो नेहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कौसल्या जी कैसी हैं? मम्मा भी ठीक है, वो भी आने वाली थी इस डार्लिंग से मिलने, लेकिन मैं ऑफिस से सीधे आ गई। उनको भी लेकर आऊंगी एक दो दिन में। अरे हाँ काकुल, वो बाबू साहब कह रहे हैं कि कल पटना जाना है हमें। हाँ मैं मालूम है चीचू, हम चुटकू को लेकर इन दो दिन के लिए अपने घर जाएंगे। ठीक है, तुम ले जाओ उसे। जीजू, आप इससे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? अरे नेहा, गिर जाता अभी। देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना। अरे तुलका बेटा, चाय देने के बाद जरा किचन में झांक के आ कि क्या पकाया है सिंथिया ने। सम्मान आ रहा है डिनर पर, उससे ज्यादा तला भुना बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा खाना बन चुका है और सिंथिया भाभी नर्स है, अच्छी तरह जानती है सेहत के लिए क्या अच्छा होता है, इसलिए कभी तला भुना नहीं बनाती। काकुल ये आ रही है ना? क्यों, वो क्यों आएगी, उसे थोड़ी बुलाया है मैंने। बड़ी मुश्किल से तो सम्मान के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, काकुल को बुलाकर उसे भी बर्बाद कर दूं? एक सजेशन दूं तेरा। क्या? तुम ना कोई वो क्या कहते हैं वो लाफ्टर क्लब होते हैं ना, वो क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? दिन भर किसी ना किसी से गुस्सा रहती है, थोड़ा हंसोगी तो सेहत अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। एक बात पूछूं आपसे, आपको मेरे अलावा और कोई नहीं मिलता? जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते। अरे शरद, आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ माँ, आज काम करने का मूड भी नहीं था। दीदी भी नहीं थी ऑफिस में तो सोचा कि घर आ जाए। तुम नहीं थी माने? कहीं गई है क्या? वो वंशिका के नए घर की खुशी में हाउस वार्मिंग पार्टी थी, वहीं गए हैं दीदी। हाउस वार्मिंग पार्टी, उसमें जाने की क्या जरूरत थी उन्हें? ये अच्छा नहीं किया देविका ने, बिजनेस तक तो ठीक है लेकिन ये तो पर्सनल पार्टी है ना, उसमें शामिल होकर गलत किया उसने। माँ और सम्मान भैया ने कहा है कि वो डिनर के लिए थोड़ा लेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सम्मान भैया भी उसी पार्टी में गए। बिल्कुल ठीक ही तो क्या सम्मान ने, आजकल पर्सनल पार्टीज बिजनेस के लिए दी जाती है। देविका और सम्मान दोनों ने ही बिजनेस के लिए जाने का फैसला किया होगा। सिंथिया दीदी, सिजू ने अभी अभी बच्चे के करीब आना शुरू किया है, हमें तो बस यही डर लग रहा है कि कहीं पटना जाने से के भरते कदम रुक ना जाए। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सम्मान डिनर के लिए यहाँ पर आ रहा है तो तुम भी आ जाओ ना, साथ में खाना खाएंगे। नहीं सिंथिया दीदी, हम नहीं आ सकते, कल बाबूजी और जीजू जा रहे हैं ना, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। और फिर हम सोच रहे थे कि इन दो दिनों के लिए छुटकू को हम अपने घर ले जाएंगे। क्यों काकू, तुम दो दिन के लिए इतना सामान लेकर? सिंथिया दीदी, हमारी बहुत इच्छा है कि हम छुटकू को अपना घर दिखाएं, ताकि इसकी किलकारियां हमारे घर की दीवारों से गूंजे, हमेशा हमें सुनाई देती रहे और इसका वहां होने का एहसास भी दिलाती रहे। और फिर यहाँ अकेले रह के करेंगे क्या सिंथिया दीदी, सम्मान तो यहाँ आएंगे नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम उसे जरूर लेकर जाओ। सिंथिया दीदी, हम अभी रखते हैं, हम बाद में कॉल करेंगे, छुटकू रो रहा है, शायद उसे भूख लगी। हाँ सम्मान को खाना खिला के मैं जल्दी भेज दूंगी तुम्हारे पास। लेकिन भाभी, सम्मान भैया वंशिका की पार्टी में, लेकिन
मेरे ख्याल से काकुल को तो मालूम नहीं इस बारे में कुछ। क्या करें, बता दें उसे? आप बता पाएंगी भाभी? कितना बुरा लगेगा उन्हें। I don't know. एक काम करते हैं, लेट्स वेट। इतनी जल्दी रिएक्ट करना शायद ठीक नहीं होगा, है ना? हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। Welcome. Congratulations. Beautiful house. It's really lovely. Thank you so much. Congrats. Wonderful house, yeah. वैसे इस बुके के असली हकदार तो ये हैं, इन्हीं की वजह से मकान घर में तब्दील हुआ है। Why don't you give it to her? She deserves it more. As you say. Congrats. It's a wonderful house. Thanks. So, come. Actually, मुझे कहीं जाना था। मैं अपनी blessings देने के लिए आपके पास आया था। I really have to. Listen. You're not leaving this place till HT comes. No, you have to meet a partner. रास्ते में ये पहुँचने वाले को, excuse me. What would you want to have? This looks light. And for the wonderful lady. सच काकुल, आज मैं बहुत खुश हूं। अब मैं बिना किसी टेंशन वापस जा सकती हूँ। जा सकती हूँ मतलब? मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है। अब इस बीबी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ऋषभ ने मुझे त्रिशा के केस के लिए यहाँ बुलाया था। इनफैक्ट मैं कल सुबह ही दिल्ली जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकती हैं? हम तो ये सुना था कि आप मुंबई शिफ्ट होने वाली हैं परमानेंटली। सोचा तो यही था सुजीत जी, लेकिन अब इरादा बदल दिया। दिल्ली में कुछ काम भी है और इमरजेंसी की वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी इसको कोई मुश्किल होगा तो फिर जरूरत पड़ेगा आपका तो फिर हम। अब इस बच्चे को एक पेडियाट्रिशियन देख सकता है। The baby is absolutely fine. और डॉक्टर ऋषभ ने मुझे एक जॉब ऑफर की है उनके नए हॉस्पिटल में, शायद मैं उन्हें ज्वाइन कर लूं। पर फिलहाल तो मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। समझ सकते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे आपसे डॉक्टर रोशनी, हमारे घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। लेकिन डॉक्टर ऋषभ का हॉस्पिटल खुलते ही आप यहाँ तुरंत आ जाइएगा। जी, कोशिश तो यही रहेगी। डिनर रेडी है, चलिए सब लोग साथ में डिनर करते हैं। जी जरूर, व्हाई नॉट। चले आइए। Excuse me. दीदी, मुझे लग रहा है कि मुझे चलना चाहिए। मामा वेट कर रहे होंगे, मुझे काकुल को पिक करना, वो भी वेट कर रही होगी। सामान थोड़ी देर रुक जाऊंगा। थोड़ी देर करते बहुत टाइम हो गया। आई थिंक आई शुड मेक अ मूव नाउ। सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी आई एम लेट, बट आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हो। गुड, प्लीज कंटिन्यू टू डू सो। गौतम, हाउ आर यू? Vanshika, you're looking gorgeous as usual. Thank you. Hi.
Saman. Saman, I'm so glad you could make it. Devika, how nice to see you. Good to see you too. Saman, I'm so glad you could make it. अगर आप नहीं आते तो हमारी पार्टी अधूरी रह जाती। आप हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। Nice to know that. Nice to know that. मैं भी काफी देर से आप ही का इंतजार कर रहा था। अब आप आ गए तो मेरा इंतजार पूरा हुआ। Now I think I should make a move क्योंकि मेरी भी कोई वेट कर रहा है। No. वेट करवाना अच्छी बात होती है, इंपॉर्टेंस बढ़ता है। आप इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? मैं तो अभी आया हूँ। असली मजा तो अब आएगा। क्यों, come on. चलो सम्मान। Okay, fine, come on. Waiter, come here, get some drinks here. अरे भाभी, इस वक्त क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? इंतजार, ऋषभ लेट हो गए आज, आने ही वाले होंगे, और सम्मान भी आने वाला है ना? भाभी, सम्मान भैया तो वंशिका की पार्टी में गए, जानते हो? काकुल, भाभी को मालूम है इस बारे में? भाभी, मेरे ख्याल से हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए। सम्मान पार्टी में मजे लूटने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए गया है। तुम दोनों इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो? खैर, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना, काकुल पे ज्यादा ही दया आ रही है ना, तो बता दो। मुझ में तो हिम्मत नहीं है काकुल को बताने की। आपको पता है आज आप कहाँ जाने वाले हैं? आज आप अपने मौसी के घर जाएंगे। बहुत मन है हमारा कि आप हमारे घर में जाएंगे, खूब खेलेंगे। बस कुछ ही देर में आपके मौसा आते ही होंगे, फिर हम लोग सब एक साथ घर चलेंगे। वैसे काफी देर हो गई, सम्मान अब तक क्यों नहीं? कोई बात, एक काम करते, हम आपके मौसा को फोन करते। पहले आपको लेता है। आप भी अपने अंकल के राह देख के थक गए ना, अब क्या करें? वो इतने बिजी हो गए हैं कि वो फोन ही नहीं उठा रहे। सो गया क्या? सुनाने की कोशिश कर रहे बाबूजी। अच्छा, अरे छोटे दमाजी कहाँ हैं? वो तुमको देर नहीं होती है? बाबूजी, हमने उन्हें फोन किया तो था, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे, शायद साइलेंट पे होगा फोन। हाँ हाँ, लेकिन वो है कहाँ? पापा जी के घर गए। वो उन्होंने कहा था कि वहीं से खाकर लौटेंगे। हमने कहा था उनसे कि वो जल्दी आए, पता नहीं क्यों देर हो गई। अरे बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि छोटे दामाद जी अपने घर गए हैं। अरे माँ के हाथ का खाना खाने गए हैं, सब पूरा परिवार बैठेगा, सब लोग मिलके खाना खाएंगे, ये स्वर्ग से बड़ा आनंद है। अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर के चक्कर में छोटे दामाद जी को कोई तकलीफ ना हो। जी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखें, परिवार के नाम पे तो बस सम्मान और हम ही हैं। छुटकू आ जाएगा तो हमारा घर घर लगने लगेगा, और हमें पूरा यकीन है इस बात से सम्मान भी बहुत खुश होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही। अब आप चिंता छोड़िए और जाके सो जाइए, सुबह सुबह आपको निकलना भी है ना। हाँ, तो इसको सुनाओ। हाँ, कुछ हो जाओ। Oh,
हेलो सम्मान, सम्मान हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहे, ये आवाज कैसी है? घर में कोई पार्टी चल रही है क्या? काकुल, मैं देविका बोल रही हूँ। सम्मान और मैं पंचिका की पार्टी में आए हैं। पार्टी? पंचिका की पार्टी? क्यों, सम्मान ने तुमसे कहा नहीं? स्ट्रेंज एक्चुअली, उसको तो पता था कि आज पार्टी है, बताना चाहिए था ना। देविका, क्या कर रही हो तुम? और सम्मान कहा है? चलो लेट्स ऑल डांस। एक मिनट, आई एम जस्ट गोना कम। मैं सम्मान से कह दूंगी तुम्हारा फोन आया था, ठीक है? तुमने काकुल से कहा नहीं कि तुम यहाँ आने वाले थे? हेलो काकुल, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना है भूल गया, जबरदस्ती और अचानक मेरा यहाँ आने का प्रोग्राम बना। अंशिका ने अपने घर को कितना प्यारा सजाया है माँ। अरे क्यों नहीं सजाएगी, पैसे की कोई कमी है क्या उसे? अंशिका और गौतम ने सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। तुम्हारा जादू अभी भी चलता है, कम से कम आज तो चला है जितने लोग आए थे उनके ऊपर। यू आर माई डियर हस्बैंड, यू आर द बेस्ट, एंड आई एम सो लकी दैट आई हैव यू।